दरवाजे तो बंद होते ही हैं। कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। कोई सेंस है इस बात की? तो देखो यार, कल यानी कि 27 तारीख को हमारे सामने बहुत सारे कंटेंट के बीच में जो है बुलबुले सी का टीजर हमारे सामने निकल के आ चुका है, जिसके लिए फैंस जो है काफी ज्यादा वेट कर रहे थे। अब ये टीजर किस तरीके से बन के निकला है और जो इसको लेके हाइप बनी हुई है, क्या वो उसके ऊपर डिलीवर करने वाली है नहीं करने वाली है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग गेम्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात करो यहाँ पे सबसे पहले विद्या बालन के बारे में, जो कि मंजूरी वाले रोल में वापस आने वाली है और जिस तरीके की वो लग रही है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कार्तिक आर्यन एज रू बाबा, जो कि अपनी वापसी कर रहे हैं और ऑडियंस ने उनको सेकेंड पार्ट के अंदर काफी ज्यादा पसंद कर लिया है। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ भी डिलीवर करने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं राजपाल यादव, कितने कमाल के एक्टर हैं, कितनी वाली कॉमिक टाइमिंग है, ओरिजिनल कंटेंट में थे, पार्ट टू में थे, पार्ट थ्री में आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे साथ में जो एंट्री हुई है वो हुई है यहाँ पे तृप्ति धीमी की। किस तरीके का उनका रोल है वो आपको और ज़्यादा आगे जाके ट्रेलर में क्लियर होगा, लेकिन उनको अगर बॉलीवुड ने इस तरीके से ही यूज़ करना है, मुझे लगता है कि इसमें उनका लॉस है। क्योंकि एनिमल मूवी के बाद अब तक उनकी एक भी ऐसी मूवी निकल के नहीं आई है जिसके अंदर जो है उनको कंटेंट के ऊपर फोकस करके कोई एक्टिंग कास्ट किया गया हो। और देखो, जहां तक बात रही इसकी फ्रेंचाइज वैल्यू की, तो वो बहुत तगड़ी बनी हुई है पार्ट वन से ही, पार्ट टू में ही, और पार्ट टू भी ऑडियंस को पसंद आया। तो पार्ट थ्री के जो स्टार्टिंग डेज़ वाले हैं उसके अंदर ये बहुत धमाकेदार बिजनेस करने वाली है, इसके अंदर किसी को भी डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो कंटिन्यू कर पाएगी वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरे को पर्सनली अगर इसका रिव्यू आपके सामने एक लाइन में करना हो, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे काफ़ी हद तक इसका जो टीजर है वो एवरेज लगा इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, इन टर्म्स ऑफ VFX। चाहे बात करो यहाँ पे विद्या बालन के लुक के बारे, जैसे मैंने पहले बोला कि वो कहीं से भी जो है वो खूंखार, ड्रावनी ऐसा कुछ फील नहीं दे रही है। लिटरली आपको उनको देख तो जो है वो कॉमेडी जैसी वाइब आ रही है। और उसमें और अलग अलग का जो तड़का है वो लगाता है इसका VFX। आप जाके एक सीन देखो जो वो सिंहासन उठा रही है, क्या सीन है वो, कहाँ से किसको डर लग रहा है उसको देख के। मतलब आदि पुरुष के जो VFX है कुछ उस तरीके की वाइब इससे आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे VFX वाइज इसमें बहुत इशू लग रहा है। और अब फैंस को उम्मीद इसी बात से है कि हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, कि अक्षय कुमार जो है वो आपको इसके अंदर कैमियो करते हुए देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये कमाल करने वाली है, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है, जो इसका जितना भी चीज़ें आप लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके, वो होने वाले स्त्री के पार्ट नंबर टू से। कि अगर ये कहीं पर भी शॉर्ट पड़ती है तो डेफिनेटली इसका नुकसान होगा, बहुत तगड़ा नुकसान होगा। जब ये सामने क्लैश में उतरने वाली है तो कॉन्टेंट में कितना दम है वो एक सोचने वाली बात है। और जिस तरीके का इसका टीजर निकल के आया है, मेरे को पर्सनली इससे इतनी कुछ उम्मीद अभी नहीं लग रही है। बाकी देखते हैं जब इसका फुल ट्रेलर आएगा, हो सकता है कि और स्टोरी जब खुलेगी तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको लेके बढ़ जाए। लेकिन जिस तरीके के पोस्टर निकल के आए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जैसा इसका टीजर निकल के आया है वो कहीं से भी एक अच्छी वाइब मुझे पर्सनली नहीं दे रहा है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है वो स्टार्टिंग में अच्छा बिजनेस करने वाली है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगी वो एक बहुत सोचने वाली बात है। बाकी आप लोगों के इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस मौका तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस लोग को लाइक करो, रेसर कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।